हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस पी पी जी टी जो फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें आपका फाइन आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, उसके साथ ही टी सी टी मैथ्स है, उर्दू फीमेल, पंजाबी मेल, इनके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। और आप लोग जाते हैं पुरानी वेबसाइट पर जहाँ पर आपको ये शो नहीं हो रहे हैं, तो इस रिजल्ट्स के लिए आपको जाना होगा डी ट्रिपल एस पी की न्यू वेबसाइट, जिस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि डी ट्रिपल एस पी ने नई वेबसाइट बना ली है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। इसी तरह से आज भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप ये रिजल्ट्स चेक कर सकें। और अभी हम चलते हैं उसी वेबसाइट पर, न्यू वेबसाइट पर, और देखते हैं रिजल्ट। ये है डी ट्रिपल एस बोर्ड की न्यू वेबसाइट, जहाँ पर आपको रिजल्ट दिए गए हैं। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसके बाद नीचे देखिए रिजल्ट नोटिस नंबर 379 पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फीमेल, पोस्ट कोड 151/17। नेक्स्ट है आपका टीजीटी उर्दू फीमेल, देन पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल, टीजीटी पंजाबी मेल, टीजीटी मैथ्स फीमेल, पीजीटी फाइन आर्ट मेल, और उसके बाद है टीजीटी उर्दू फीमेल, टीजीटी पंजाबी मेल और टीजीटी मैथ्स फीमेल। ये सभी आपके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, इनमें से किसी एक पर हम चलते हैं और पीडीएफ देखते हैं। सबसे ऊपर आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल है, तो उसी के लिंक पर चलते हैं हम। ये देखिए आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल का रिजल्ट यहाँ पर डाला गया है। ये जनरल कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, जिसमें 49 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, और पीएच कैटेगरी से कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ वीएच में, और एचएच में नो सूटेबल कैंडिडेट फाउंड इन द मेरिट। ओबीसी कैटेगरी से 19 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, एससी से 15, एसटी से 2। अब हम एक बार ऊपर वैकेंसीज दी हुई हैं, ये देख लेते हैं। 51 आपकी यूआर की हैं, जिसमें से 49 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, और ओबीसी की 26 हैं, जिसमें से 19 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, और उसके बाद आपके एससी से 15 और एसटी से 7 हैं। तो एससी में आपके 15 पूरे के पूरे क्वालिफाई मिल गए हैं, और एसटी में 2 ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और बाकी नीचे दिए गए हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन ईडोजियर, जो कि पेंडिंग है, रीज़न साथ में दिया गया है। एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया था इन्होंने, इनके पास एक्सपीरियंस चाहिए था 1 ईयर का, वो नहीं अपलोड किया। ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि बाहर स्टेट का, अदर स्टेट का इन्होंने अपलोड किया है। इसी तरह से 3 केस ओबीसी से रिलेटेड है, सेंट्रल ओबीसी इन्होंने डाला है, और सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। 2 कैंडिडेट्स आपके एक्सपीरियंस से है, और ये लास्ट जो है, द कैंडिडेट हैज़ नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन द ईडोजियर, द डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द ईडोजियर। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो इनको टाइम दिया जाएगा 7 के 7 कैंडिडेट्स को। एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिसमें ये 27 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, एक कैंडिडेट को पेंडिंग रखा है, क्योंकि इनका क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। और ओबीसी से क्या है, ये 3 कैंडिडेट्स भी पेंडिंग हैं, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ दिल्ली स्टेटस, ठीक है। ये तीनों ही आपके दिल्ली के वेरिफिकेशन के हैं, ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं। दिस रिजल्ट प्रोसेस फॉर द अबो पोस्ट कोड स्टैंड्स क्लोज्ड इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट 10 पेंडिंग केसेस, 10 पेंडिंग केस है, 3 ये और 7 वो ऊपर। और इनको 1 साल के अंदर, जो कि वैलिडिटी इनकी 22 मार्च से पहले अगर ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपकी कंप्यूटर साइंस के विषय में थी। बाकी समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधा लिंक पर जाइए और अपने संबंधित विषय की जो रिज़ल्ट हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए
और चेक कीजिए. थैंक यू सो मच एंड गुड लक.